पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा, मैं प्रेम शाही मुंडा अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद, साथ में है हमारे जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और सरना समिति के लोग, आज हम लोग बरगाह मौजा के अंतर्गत भूमिहरी जमीन पर, पहनाई जमीन पर, धार्मिक जमीन पर जिसका खाता नंबर 239 है, उसको हम लोगों ने आकर के कब्जा करने का काम किया है। क्योंकि पूरे रांची जिला में 4,500 आदिवासी जमीन एसआर कोर्ट में दखल दहानी हो रहा है, लेकिन 15 साल 20 साल हो गया दखल दहानी हो रहा है। इसलिए हम लोग चेतावनी दिया था यहाँ के सरकार को कि अभिलंब जो है दखल दहानी दो, ये हमारी शुरुआत है। अब पूरे रांची में जो भी होगा भूमिहरी आदिवासियों का धार्मिक जमीन, हम लोग चढ़ करके जो है कब्जा दिलाने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि जलान बाबू कैसे ले लिया भाई, नियम कहता है सीएनटी एक्ट की धाराओं में, उसके प्रावधानों में कि कोई आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है, यह जमीन पहान जमीन जो है समाज का होता है, आदिवासी समाज का होता है, तो जलान खरीद लिया, का खरीद लिया। इसलिए अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि जितने भी जो दखल दहानी का मामला है, वो पूरे लंबित मामला है, उसको दखल दहानी कब्जा करे, नहीं तो ऐसे ही हम लोग घर चढ़ के कब्जा करने का काम करेंगे। सर जी ध्यान दीजिएगा, हमेशा हाथ हमारा हमारा ध्यान दीजिएगा हम लोग जी। मैडम मैडम बोलिए बोले मैडम, आज जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हैं, जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हैं या फिर आपका जो जमीन है उस जमीन को जो है तो वापस लेने के लिए आप लोग यहाँ हैं? देखिए, ये भू वापसी का आदेश पहले ही हो चुका है 2008 में ही, जो आदिवासियों का ये बखास भूहरी पहनाई जमीन है जिसका खाता प्लॉट अभी प्रेम शाही जी ने बताया कि खाता नंबर 239 और ये रकबा लगभग 1.5 एकड़ का है, मगर अभी 35 डिसमिल जमीन भू वापसी में 21 कट्ठा वापस हुआ है, 2008 में ही वापस हुआ है, लेकिन अभी तक जलान साहब इस जमीन को छोड़ नहीं रहे। तो उन्होंने आदिवासी समाज से मदद मांगा, हम लोगों ने आज उनको जमीन वापस दिलाने के लिए यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, और ये जमीन उनको वापस हम लोग दिला के रहेंगे, और फिर से अगर जलान साहब या कोई भी इस जमीन पे कब्जा करता है तो वो समाज विरोधी होगा, आदिवासी समाज का विरोधी होगा, और हम लोग इसको पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। और आज हम लोग यहाँ ताला बंद करके जाते हैं क्योंकि ये गरीब आदिवासी है, पहान है, हमारी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, हमारे लिए सर्वोपरि है, और उन्हीं का जमीन आज गैर आदिवासी लूटते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा करते जा रहे हैं, तो आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और इस जमीन पर दोबारा अगर वो लोग आए तो फिर उनके अगर आगे कुछ भी होता है समाज के द्वारा तो उनके जिम्मेवार वही होंगे, क्योंकि ये समाज का जमीन है, समाज ने इसे वापस लिया है। यानी जमीन हो चाहे धार्मिक स्थल हो, उस पर किसी न किसी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, और आज वैसे ही एक जमीन पर आप लोग ताला लगाने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। विशेष रूप से हम आप लोगों के माध्यम से विशेष करके झारखंड के लोगों को बताना चाहेंगे कि आदिवासी भूमि वापसी का जो कानून है, हम लोग को धरती आबा बिरसा मुंडा के द्वारा 1908 में दिया गया था। सीएनटी एक्ट के तहत सभी जमीन आदिवासियों के नाम पर बनाई गई है, वो सीएनटी एक्ट 1908 के तहत हमारे आदिवासियों की रक्षा कवच के रूप में दिया गया है। उसके भीतर आजकल के कुछ जमीन दलाल और जो पूंजीपति हैं गरीब आदिवासियों को हक के फुसला के बहला के और प्रलोभन देकर उसके जमीन को 10 रुपया दे के दारू और हड़िया पिला के उसमें वो साधक कागज में लिखवा के ले लेते हैं और कहते हैं कि हम जमीन खरीद लिए हैं। ये बिल्कुल गलत है। ना आदिवासी जब आदिवासी की जमीन खरीदता है तो सीएनटी एक्ट के तहत
उसको परमिशन लेना पड़ता है। डीसी इसके कस्टोडियन होते हैं, उपायुक्त इसके कस्टोडियन होते हैं, तभी जाके हम लोगों को किसी भी प्रकार का जमीन का हस्तांतरण आदिवासी टू आदिवासी होता है। लेकिन यहाँ तो गैर आदिवासी लोग हमारे गरीब आदिवासी को जमीन लेके उसको जो है आपका जमीन को लूटने का काम कर रहा है। ये विभिन्न राज्य के विभिन्न प्रखंडों में इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसे करने वालों को हम लोग एट्रोसिटी एक्ट जो आदिवासी अत्याचार अधिनियम है उसके तहत भी हम लोग FIR करवाएंगे और ऐसे लोगों को जेल में भरने का काम करेंगे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे आदिवासी समाज को न्याय। और मैं डॉक्टर बिरसा ओराव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष। थोड़ा सा ये आज हम लोग यहाँ 7 डेज के बड़गाए जो कहता है एरिया कर्मा पहान का ये जमीन है और बहुत दिनों से गैर आदिवासी लोग आज जबरन कब्जा कर रखा है। और मान लीजिए गरीब आदमी है, केस जब जीतता है तो फिर स्टेप पर जीते रहता है। और ये छोटे आदमी को तो ये कोर्ट कचहरी इसके लिए तो नहीं है, अब लोग कहाँ जाएगा अंत में। देखिए यहाँ भू आपसी भी कुछ जगह का मैंने जो जमीन का पहले भी हुआ है और जो बचा कुचा जमीन है जो ये अभी तक कब्जा गैर आदमी से हम लोग ने किया। तो आज हम लोग पूरे दल बल के साथ में एक चेतावनी देने आए हैं। ये झारखंड सरकार भी इसमें एक सोचे कि ये आदिवासी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है और गरीब आदमी कहीं प्लान करके कमा खा जाता है, उसके जगह में दूसरे लोग जमीन को छीन लेता है। ये बहुत सारा समस्या पूरे ये झारखंड का ये समस्या है। कोर्ट कचहरी से जाते जाते थक जाता है लोग, ताकि उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसा माने व्यवस्था ऐसा खराब है कि 4-5 करोड़ का ऐसी केस पेंडिंग है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इतना भी मान लीजिए कि CO जगह देता है, CO LRDC भी लिख देता है, LRDC SC भी लिखता है, फिर DC भी लिखता है, कमीशन चला जाता है। इसमें एकदम पूरा ये मामला ये अंत तक मैंने चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम झारखंड सरकार को ये कहते हैं कि इसमें कड़ा कदम उठाए कि आदिवासी बचे, नहीं तो फिर ये लड़ते लड़ते तो अपने आप मर जाएगा। अगर वैसा स्थिति होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और जबरन कब्जा को एकदम डायरेक्ट करेंगे एकदम। मेरा नाम प्रकाश मुंडा हो गया, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव। आदिवासी पहनाई का जमीन एक अब देखा जाए तो एक मारवाड़ी ने कब्जा कर लिया है जो गैर आदिवासी है। ऐसे तो पहनाई और का जमीन और बुनियारी का जमीन जो होता है ना, जिसमें उसको एक आदिवासी भी उसको खरीद नहीं सकता है। तो ये तो एक आप देख रहे हो जलान जो मारवाड़ी जो गैर आदिवासी है वो तो कहाँ से खरीद सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से का ये है समस्या है। आप लोग देखे पूरा वीडियो देखे किस प्रकार से ये आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहिए।